नातिपुत्रा पावे ना ताले की राजा करे नातिपुत्रा पावे। पूरे बांग्लादेश के अंदर सिट डाउन लगा पड़ा है, पूरा बांग्लादेश के अंदर कर्फ्यू है। बताया जा रहा है कि सारे बांग्लादेश के कॉलेज के स्टूडेंट सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? और सुनने में ये भी आया है कि बांग्लादेश की पुलिस ने जो है बांग्लादेश की आवाम पर, पब्लिक पर गैस फायरिंग करी है और गाड़ियों से लोगों को उड़ाया है, और इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट की जो है डेथ भी हो चुकी है और काफ़ी स्टूडेंट घायल भी हैं। अभी तक ये मामला सामने नहीं आया है कि आखिर कॉलेज के स्टूडेंट जो है इतना तखड़ा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों रोडों पर उतर रहे हैं। और हद से बात बढ़ गई तो पुलिस ने जो है स्टूडेंट के ऊपर गैस फायरिंग करी, और नॉर्मल फायरिंग नहीं, बहुत ज़्यादा फायरिंग करी। और कुछ पुलिस वालों ने स्टूडेंटों के ऊपर जो है अपनी जो कार होती है वो उनके ऊपर चढ़ा दी। और बताया जा रहा है कि काफ़ी स्टूडेंटों की डेथ हो चुकी है और काफ़ी जो है हॉस्पिटल में घायल हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है, बांग्लादेश में ये हो क्या रहा है? बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट है मांग ये कर रहे हैं हुकूमत से कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो इतना पैसा उठा रहे हैं, हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही। इतना सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश जो है और देशों के लोगों को बुलाकर बांग्लादेश के अंदर नौकरी दे रहा है, और जो मौजूदा बांग्लादेश के लोग पढ़ लिख कर इतना पैसा लगा रहे हैं, अपनी डिग्री के लिए इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो बांग्लादेश की हुकूमत जो है अपने नागरिकों को क्यों नौकरी नहीं दे रही, क्यों जॉब नहीं दे रही? दूसरे देश को लोगों को बुलाकर अपने देश के अंदर नौकरी दी जा रही है, काम दिया जा रहा है, और अपने खुद के देश के लोग जो हैं पढ़ लिख कर इधर उधर मजदूरी कर रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं, और तुम लोग जो है क्या नाम है अपने देश में दूसरे लोगों को बुलाकर बड़ी बड़ी जॉब दी जा रही है और अपना जो है हाथ में कटोरा लेकर घूम रहा है। तो ये सुनने में आया है कि शेख हसीना जो है इसके खिलाफ है और दूसरे देश को लोगों को बुलाकर उनको नौकरियां दी जा रही हैं, और जो बांग्लादेश के मौजूदा लोग पढ़कर अपनी डिग्री हासिल करके नौकरी के लिए जाते हैं तो उनको नौकरी नहीं दी जाती है। तो इसको लेकर जो है पूरे बांग्लादेश में हाहाकार मचा पड़ा है, पूरे बांग्लादेश के अंदर कर्फ्यू लगा पड़ा है, सब कुछ के अंदर जो है सिट डाउन है। बसेस, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट, ए टू जेड जो भी सारा सिस्टम है सब कुछ बंद करा रखा है, यहाँ तक के नेट करना भी इस टाइम बंद करा रखा है ताकि कोई भी बात बांग्लादेश से बाहर चली जाए, नहीं तो अगर लीक हो गई तो बांग्लादेश की जो है सब कुछ हकीकत पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगी। बांग्लादेश की पुलिस जो है स्टूडेंटों पर इतना ज्यादा अत्याचार कर रही है कि गैस फायरिंग कर रही है, गोली यूज कर रही है, और क्या नाम है अपनी गाड़ी स्टूडेंटों के ऊपर चला रही है, और काफी स्टूडेंट जो है इस सिचुएशन में जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं, और काफी स्टूडेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी जब उनको पता चला होगा कि हमारा लड़का या लड़की जो है इस माहौल में आकर पिस गए हैं, और हमारे लड़का या लड़की जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, ये उनकी डेथ हो गई है, तो क्या बीत रही होगी? तो इस टाइम जो है शेख हसीना से यही सवाल कर रही है बांग्लादेश की पब्लिक कि हम जब पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे, हमने इतना पैसा लगाया है, इतनी मेहनत करी है, तो फिर हमें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? दूसरे देश के लोगों को बुलाकर आप लोग नौकरियां दे रहे हो, अच्छा काम दे रहे हो, और अपने देश के लोग जो है ऐसे घूमते फिर रहे हैं, सिर्फ टक्करे उठाते फिर रहे हैं, और हमारा जो है बिल्कुल भी कहीं पर काम नहीं दिया जा रहा। तो इसको उठाकर जो है बांग्लादेश की पब्लिक और सारे स्टूडेंट इसी मुद्दे को उठाकर यही बात कर रहे हैं, और तभी तो सारे स्टूडेंट रोड पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक जो है इस टाइम बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि पुलिस ने जो है
बांग्लादेश के स्टूडेंटों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफी करी है, बहुत अत्याचार करे हैं, वेपन यूज़ करे हैं और उन पर जो है गैस फायरिंग करी है, जिसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट घायल भी हुए हैं और काफ़ी स्टूडेंट की जो है डेथ भी हो चुकी है। यहाँ ये मुद्दा आ रहा है कि आखिर बांग्लादेश की हुकूमत दूसरे देश के लोगों को बुलाकर नौकरियाँ क्यों दे रही है, अपने देश के लोगों को क्यों नहीं दे रही, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों लोग रोड पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, ऐसा क्यों कर रही है, अभी तो कोई पता नहीं चला है क्या मसला है क्या नहीं। पर यह बात बिल्कुल गलत है कि जब हमारे देश के लोग ऐसी थाली घूम रहे हैं, पढ़ लिख कर उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतनी डिग्री पाई है, तो उनको काम नहीं दिया जा रहा, उनको नौकरी नहीं दी जा रही, और आप जो है दूसरे देश को बुलाकर, दूसरे देश के लोगों को बुलाकर नौकरियां दी जा रही हैं और बड़े से बड़े काम दिए जा रहे हैं, और अपने देश के खुद नौजवान जो हैं ऐसी नाकारा घूम रहे हैं, ऐसी काम ना मिलने से घूम रहे हैं। तो ये मुद्दा उठाना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सही हुआ। तो आप मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश में जो हाल है सही है, स्टूडेंटों के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बांग्लादेश की पुलिस ने कॉलेज के स्टूडेंटों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को जख्मी भी करा है, कुछ लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कुछ लोगों की जो है डेथ भी हो चुकी है। अब ये पता नहीं कि ये बात क्यों है, ऐसा पुलिस ने क्यों किया, क्योंकि पुलिस तब तक ऐसा नहीं करती है तब तक उनको ऑर्डर नहीं दिए जाते हैं, जब तक ऑर्डर नहीं मिलने के उनको, तो पुलिस ये कदम बिल्कुल भी नहीं उठाने की है कि आप जो है उनके ऊपर फायरिंग करो या आप लोग उनके ऊपर लाठी चार्ज करो या उनके ऊपर आप गाड़ी चलाओ, पर ये जो है जब तक नहीं करने की है पुलिस, जब तक जो है आप लोगों को या किसी भी अधिकारी को ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो यही बात को लेकर पूरी सोशल मीडिया पर, पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मची पड़ी है कि आखिर बांग्लादेश की पुलिस ने स्टूडेंटों के ऊपर फायरिंग क्यों करी और स्टूडेंटों के ऊपर जो है अपनी कार को क्यों चढ़ाया गया, इतनी लोगों की जान गई है, इतने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ऐसा क्यों किया, अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर नेट बंद करा रखा है, कॉलेजेस बंद हैं, सारा सिस्टम बंद करा रखा है ताकि बांग्लादेश की बात जो है कोई भी देश से बाहर नहीं चली जाए, कोई भी बात लीक नहीं हो जाए। तो आपको क्या लगता है बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि लोगों को पता चले, देखो बांग्लादेश की गवर्नमेंट क्या कर रही है अपने देश के लोगों के साथ, कि दूसरे देश के लोगों को बुलाकर नौकरियां दे रही है और अपने देश के लोगों को जो है नौकरी नहीं दे रही है, और वो ऐसी बेकाम वाले लोग ऐसी घूम रहे हैं और मेहनत करके इतना पैसा उठाकर इन्होंने इतनी पढ़ाई करी है फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, दूसरे लोगों को बुलाकर नौकरी दी जा रही है और अपने मौजूदा बांग्लादेश के लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।